तो गाइस देखो, ये ग्रंथ है ना, अभी अर्पिता को डराने के लिए गया है। अर्पिता टॉयलेट में है और जैसे बाहर निकलेगी ना देखो चिल्लर पार्टी आ गई है वापस ड्राइंग क्लास में शुरू। तो अर्पिता ने ये ड्राइंग करके दिया है, हम मैं जेरोक्स करके लाया था उसका दोपहर में, और बच्चे लोग कलर कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड गुड वर्क, गुड वर्क, सुपर। ये क्या कर रहा है छोटू? अरे वाह, ये लड़की नहीं आई ना? नायरा। नायरा, अच्छा अच्छा नायरा, ये लड़का नया आया। हमारे घर के सामने कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट के लिए ना लाइट वाइट सब चला के रखा हुआ है, ये देखो भाई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई पूजा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है तो उसका कुछ कामकाज होगा, और यहाँ पे ना दो तीन टेंट भी बांधे हुए हैं, कल सुबह मैं दिखाऊंगा आप। तो गुड मॉर्निंग भाई, ये देखो क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो खोद खुदाई हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बन रहा है यार। ऐसे नहीं होगा ना, ये मशीन जो है उसकी खुदाई चल रही है, लेकिन ये मंडप क्यों बनाए हुए नहीं समझ में आ रहा है। अलग अलग मंडप है क्यों है, और यहाँ से ना ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सी कोई महाराज की भगवद गीता होने वाली हो ना, जहाँ पे यहाँ पे काफ़ी लोग बैठेंगे, और मे बी हो सकता है ये पार्किंग के लिए यूज़ किया हो, बना रहे हो, क्या नहीं पता नहीं मुझे। मतलब यहाँ से पब्लिक का एंट्री हो और यहाँ पे बैठना बैठना कुछ हो, कुछ कुछ सत्संग जैसा कुछ हो। चलो, लेकिन अभी दूसरा काम है, और टाइम से ना ये जूते थोड़े से गंदे हो गए थे तो धोने हैं। एक्चुअली ये वाइट है ना, बहुत परेशान करता है ये, अगर पहन के ट्रेन वेन में गए ना तो उसके लग गए, मतलब ऐसा है। और ये मेरा जूता है ना, इस पर कौन सा कलर बैठ गया है ना समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला चीज़ है। अभी मैं धोऊंगा ना, फिर भी जाएगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा साफ हो जाएगा कि मैं पहन सकता हूँ। ये हो गया अपना जूता, आज का सैटरडे का काम। ये क्या है, ये बटन रह गया किसी का। अभी हो गई है मुझे, तो अभी मैं आवाज थोड़ा सा चेक कराऊं पीछे से। देखो, हेलो गाइस, दिख रहे हैं ना, आवाज़ आ रही है ना क्लियरली। हाँ, माइक टेस्ट। तो गाइस अभी कल क्या हुआ ना, कि कल मैं बैठे बैठे देख रहा था कि एआई के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देख रहा था, और एआई कैसे हर फील्ड में घुसा हुआ है, कैसे करेगा आगे जाके, क्या उसका फ्यूचर में क्या करने वाला है। एआई बहुत डेंजर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बेसिकली क्या है ना, कि आधी इंडस्ट्री है ना, जो मेरी इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है ना, कि मैंने जो नोटिस किया है कि एआई कैसे एडवर्टाइजिंग को बेनिफिट देगा, या फिर क्या क्या होगा उसकी वजह से, काफ़ी सारे लोगों का जॉब जाएगा नहीं जाएगा, क्या है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि एआई क्या होता है ना, एआई आपकी चीज़ें है ना फास्ट कर देगा, आसान कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और हमें इमेज कट करना है, हम पहले ना पेन टूल लेके पूरा इमेज काटते थे, लेकिन अभी वो एआई की वजह से ना ऐसा हो गया कि एक बटन दबाओ, आपका इमेज पीछे का पूरा मतलब लाइक 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसी वजह से चीज़ें थोड़ी आसान हो गई है। राइटर्स के लिए ऐसा हो गया है कि राइटर्स को आपको कुछ भी, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि राइटर क्या, मैं भी एक आर्ट डायरेक्टर होने के बाद भी, मैं कुछ भी अगर मुझे चाहिए, कुछ अच्छा सा नाम चाहिए, सजेशन, कुछ नेम सजेशन चाहिए, या तो कुछ लाइन चाहिए, कुछ स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो आपको बेसिक आइडिया वो दे देता है, आपको सिर्फ टाइप करना होता है। सर सिर्फ ये होता है कि आप की वर्ड क्या डाल रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि कीवर्ड आप क्या डाल रहे हो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत आसान हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि एआई है ना, आइडिया नहीं सोच सकता जो हम सोच सकते हैं वैसा, तो वो एक डिफरेंस है। तो ये काम कैसे करता है, ये हम ही, ये जो पूरा डेटा है, जो सिस्टम में डेटा होता है ना, ये पहले से, जैसे एलेक्सा आया था, तो एलेक्सा कैसे काम करता था, एलेक्सा इज़ लाइक एक एआई है। वो अमेजोन का जो एक स्टिक आता था, हम जैसे बात करते हैं, एक स्टिक है वो, मतलब एक डेटा है वो, तो वो क्या होता है ना, हम ही डेटा है जो हम सिस्टम में डालते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करके आपको वही चीज़ ठीक से मैनेज करके वो वापस देता है, उसके पास अलग से कुछ नहीं है।
तो मेरे क्योंकि मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था कि AI ये कैसे है, कैसे काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एलिफंट मैं टाइप कर रहा हूँ, एक AI पे एक मुझे एक इमेज चाहिए कि एलिफंट इज फ्लाइंग, ठीक है। तो वो क्या काम करता है कि एलिफंट तो उसके पास वैसे ही गूगल में इधर उधर बहुत सारे इमेजेस रहते हैं, तो एलिफंट तो वो उठा ही लेगा, और फ्लाई करेगा तो एक दूसरा इमेज डाल देगा जिसमें स्काई आ जाएगा। वो स्काई और एलिफंट को ऐसे मिक्स करेगा कि आपको लगेगा कि एलिफंट इज फ्लाइंग। तो वो इमेज को मिक्स करके तुरंत आपको वो आपका कीवर्ड के हिसाब से वो वर्ड दे देता है। ये उनका फंडा है, मतलब आप जितना रिसर्च करते हो ना उतना ही डेटा आप उनको दे रहे हो, AI के पास जा रहे हो। जैसे आप ऑप्शन डालोगे कि आपको 3 ऑप्शन दे दिया AI ने इमेज में, तो आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप दूसरे 3 ऑप्शन मारो ऑप्शन, वो डेटा उनके पास कलेक्ट होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अभी मान लो कि मैंने सर्च किया, अभी दुनिया में किसी और ने भी ऐसा कुछ सर्च किया होगा, तो वो जो मैंने जो ढूंढे हुए इमेजेस रहेंगे जो मैंने पसंद भी नहीं किए, जो पार्क करके रखे हुए, वो सिस्टम में रहते हैं, वो डेटा में रहते हैं, कल को उठ के वही इमेज किसी और के पास भी चले जाएंगे। तो हाउ द AI इज वर्किंग, मतलब ये है, बट बेसिकली ये है कि थोड़ा कैमरा उठा लेता हूँ, तो थोड़ा सा क्या है ना कि AI से है ना काफ़ी सारी चीज़ें ना ईजी हो गई है, बस उतना है कि आपको उसको कैसे ठीक से यूज़ करना आना चाहिए, तो मस्त से हो जाएगा। आज का ज्ञान, कल देखो मैंने कुछ एक स्टोरी बनाया हुआ है AI में, मेरा वॉइस ओवर बीच में आएगा, ये मेरा AI वर्जन है, AI अवतार है मेरा। ये मैं कल ट्राई कर रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आया इसमें, ये दूसरा वाला है, ग्रंथ आ गया है। सुबह से है ना ये लड़का, सुबह 7 बजे, कितने बजे गया था तू? 8 बजे से ये लड़का गायब था, 2 बजे आया है ये। बताओ कहाँ गए थे? सो गाइस अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, तो मैं गया था यहाँ से 8 o'clock को और आया मैं 2 o'clock को। सो अभी हुआ क्या था कि जब भी मैं निकला यहाँ से तो बज रहे थे 8 o'clock, फिर हम लोग ने जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको बोला, तो टोटल 10 लोग हो गए थे। और एक्चुअली मेरे जो एक फ्रेंड था सुजू करके, उसका ना बर्थडे था, तो उसने टर्फ बुक किया था, तो हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए गए थे टर्फ में। सो फुटबॉल खेलने के लिए गए थे, तो सुबह हमको कितना 8 o'clock को, 9 o'clock को वहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, चैंपियंस सर्फ पे गए थे, और 9 o'clock टू 11 o'clock वहाँ पे हम लोग खेले। फिर जब हम लोग वापस आए तो हम लोग उसका बर्थडे था ना, तो उसके हम लोग घर पे गए, पार्टी किया। सो हमने वहाँ पे लंच किया, हम लोग ने बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स खेली। फिर हम लोग केक कटिंग के बाद आ गए, और फिर मैं अपना स्टडी करने बैठा और बाद में सो गया। पढ़ाई करते करते मुझे ना ये जो नेक है नडी, मैं ऐसे लिख रहा था तो मेरा नेक बहुत पेन हो रहा था। तो मैं सुबह कितने सुबह से मतलब 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 फिर खेलने को जाऊंगा। बस पूरा दिन यही तो करता है तू? तो यही तो मैं शेड्यूल पूरा दिन यही करता है, और पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाई नहीं कुछ करता तू। सो गाइस पापा अभी पूरा झूठ बोल रहे हैं, डैडी अभी जितना भी पूरा शाम है ना ये 2 बजे से लेके इधर तक मैंने पूरा पढ़ाई की है, खाली मैं हाफ एन आवर सो गया हूँ, बाकी तो मैंने 2 hours पढ़ाई की है। सो गाइस मैं बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था अपने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में, डैडी मैं बहुत बड़ा टॉपर था, यू नो डैडी टॉपर स्टॉक। ये गेम दिया है, ओपन करो। ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरे फ्रेंड के, हम लोग उसके बर्थडे था ना, हम लोग उसके घर पे हाउस ही खेले थे, तो मेरा टॉप लाइनर फुल हाउस ही हो गया था। तो मुझे दो, एक मुझे ये मिला था टेनिस की बॉल, जो कि मुझे हमेशा ड्रिल्स करते वक्त काम आती है घर पे। बंदर को ये मिल गया। और ये ना हमारे मतलब हम जब छोटे थे ना तो ये नया नया गेम आया था मेड इन चाइना ऐसा कुछ, सब लोग पागल हो गए थे। हाँ बीच में से धीरे से ये मार्बल है, ये तो हमारा फेवरेट गेम था, बताया तुझे ये मार्बल खेलना? ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, मैं बता दो इसको कैसे खेलते हैं। खाली मिडल का नहीं छोड़, मिडल का। ये गाइस हम लोग है ना, याद है ये किसी को, आई एम श्योर सब लोगों ने ये खेला होगा, ये पुराना गेम है जो 90s में आया था, बहुत फेमस हुआ था ये गेम। हाँ। अभी जैसे जैसे लोग वो मोबाइल पे कैसा खेलते हैं, क्या खेलते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं,
किसको? लूडो। लूडो लूडो जैसे मोबाइल में लोग खेलते हैं ना, वैसा सब लोग है ना जब छोटे, मतलब ये गेम है ना बच्चे लोग खेलते थे, ऐसा हर दोपहर में ना बैठ जाते थे और घंटों घंटों तक ये खेलते थे। बीच वाला खाली रखना है। बीच वाला खाली नहीं। अरे तू मुझे मत सिखा, मुझे आता है। करो। अभी एक करके जैसे ऐसे क्रॉस किया। हाँ तो मुझे पता है, मैंने खेला गेम। सो गाइस अभी मम्मी को, अभी मम्मी क्या देखो, मम्मी क्या मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया। दादा कहाँ? दादा चाय लेने गए। चल गैस। अच्छा हाँ, सो गाइस अभी हुआ क्या, मम्मी बताओ, हमारा जो गैस है वो इस का बिल्डिंग में नहीं है, हमारा सी टू में ही नहीं है बस। नहीं, सी टू सी वन और आई थिंक बी वन में भी नहीं है। बी वन में भी नहीं है। हाँ, सो हमारा जो विंग है ये सी टू उसमें नहीं है, मतलब इसमें भी नहीं है, सी वन में भी नहीं है ना। सो सेविंग पूरा गैस का वो चला गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। टाइमिंग क्या हो रहा है आज ना? आपको एक काम करना है, आज ना आप मेरे को पिज्ज़ा खिलाओगे। ओके गाइस, सो पापा बहुत अच्छे मेरे, सो आज मेरे को पिज्ज़ा खिलाने वाले। नहीं नहीं नहीं, वो मलाई मत मार, चलो चलो जाओ जाओ। हेलो डैडी। कुछ नहीं मिलेगा। हाय डैडी। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पिज्ज़ा वीज़ा कुछ नहीं मिलने वाला। चलो भाई अभी चलते हैं हम ये करने के लिए। देखो ना आँखें ये दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी अर्पिता को है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में ना। हाँ। ना वो दो तीन दिन से कंप्लेन कर रही है कि मुझे है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको नंबर हो सकते हैं चश्मा, तो एक बार इसका नंबर और ये सब चेक करा के लाते हैं, बराबर ना। सिर्फ टीवी दिखने में कैसा होता है, क्लियर क्लियर रहता है, लेकिन आंखें मतलब वो खींच और उसको सर दर्द और ये सब हो रहा है ना। हाँ, तो ये सब है ना नंबर आने के, मतलब ये है क्या बोलते हैं इसको, हाँ नंबर आने के ये। और पापा हमारे आ गए हैं यहाँ पे। पापा सब्सक्राइबर्स को हाय बोलो। कौन है? हमेशा काले काले। पापा को पिक्चर देखना है पुराना वाला दीवार। तो चलो चलते अभी। हाँ। सीधा उधर। मैं बोला था ना नंबर है। कम होगा। कैसा नंबर रहता है ना, नॉन वेज का ना वो रेडी मेड डिश का है। हां, वैसा होगा। तो अभी हम लोग यहां ना यहां पे इंद्र लोग फेस 3 में फेस 6 में आए हैं, यहां पे नया दुकान खुला है। तो अर्पिता खास वहां से दूर से उधर से लेके आई हमें यहां, और यहाँ पे ना पूजा सामग्री बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग भगवान का कपड़ा लेने आए ना अर्पिता। हाँ। चाय, फिर वो वाला अच्छा है, ये अच्छा है एक, और ये अच्छा है, सब डिज़ाइन अच्छे हैं। तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे अर्पिता है ना लालजी के लिए, मतलब हमारे भगवान के लिए भी कपड़े लेती है वो। जैसे समर में उनके लिए कैसा रहेगा, कॉटन का रहेगा, विंटर में थोड़ा सा स्वेटर टाइप्स रहेगा, उस टाइप का उनका सिलेक्शन रहता है। ये देखो कितना अच्छा है। हाँ बोल, क्या हो रही थी अर्पिता? अभी है ना मेरे से नाराज है, क्यों बताओ? हाँ क्या प्रॉब्लम है पता? प्रॉब्लम ये है कि आप घर में होते हुए भी घर में नहीं हो, क्यों? लेकिन हो मेंटली नहीं हो, वो आपको पता। लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ इसलिए ज्यादा। अरे कोई इंसान पूरा दिन थोड़ी ना सोचता रहता है, पूरा वीक सोचता रहता है, पूरा महीना ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा होता है अर्पिता, बहुत सारी चीजें सोचता रहता हूँ ना, तो इसीलिए मेरा ध्यान उधर ही रहता है। नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए लाइफ में। ये लो, इनको कुछ हंसी मजाक भी नहीं है। हंसी मजाक मतलब क्या? हंसी मजाक तो चलता ही रहता है ना। जाएंगे मर जाऊं क्या? पापा अपने स्टोरी बता रहे कट ले, हंसी तो सही अभी।
पापा की वजह से हंसी तो सही अभी तो 12 साल में मैं नहीं हंसी। चलो चलो तो भाई ये अभी बज गए हैं 9 बज गए, दिन खत्म हो गया है, ग्रंथ नीचे है क्योंकि उसका टाइम है अभी 9:30 को वो आएगा खेलने गया है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, बाय।